विजय संकल्प सभा में कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने जनसभा में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया और भाजपा को वोट देने की अपील की। उन्होंने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सबसे कहना चाहता हूँ कि समय बदला और समय के बदलाव के साथ साथ आज पूरे भारतवर्ष की व्यवस्था बदली है। जो एक दूसरे को गाली देते थे, कभी बोलते थे गुंडा, तो दूसरी तरफ से आवाज आती थी गुंडी। ये गुंडा और गुंडी कहने वाले लोग आज आपस में क्यों मिले हैं? बोलते हैं बीजेपी ने विकास नहीं कराया। अरे अगर बीजेपी ने विकास नहीं कराया तो आपको काहे का डर था? एक पार्टी की सरकार, दूसरे दूसरे आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार, तो उससे पहले किसकी सरकार थी? ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। अगर आपको डर नहीं था तो आज मिलने के बाद भी आपको डर है और आपको डर होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने शासन सत्ता काल में केवल भ्रष्टाचार किया है। लूटों को रात को 2 बजे लौटा दिल्ली से, फिर अमेठी के बाद 2 कार्यक्रम थे। मैं किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि अमेठी पहुंचते घंटे लग गए, कई घंटे लग गए, और कारण यह था कि जो उन्माद आपके चेहरे पर दिख रहा है वैसा ही चेहरा वहां पर अमेठी में दिखाई पड़ रहा था। लग रहा था करीबे पे आता था ना, पहले पिछले चुनाव में क्या आता था, उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, एक लड़के के वहां पर मैं होकर आया हूं अमेठी और दूसरी जगह में आ गया। लेकिन इतना मैं बता दूं कि पिछली बार तो परिवारों के खाते खुल गए थे, अब तो परिवारों के खाते बंद हो गए। और उसका कारण क्यों है कि हमारे उत्तर प्रदेश में मोदी जी का जो चौकीदार है वो सतर्कता के साथ में पहरा देने जा रहा है, और घर घर चौकीदार जैसे बोलते थे ना कि घर घर अफजल पैदा होंगे, अफजल तो पैदा हुए नहीं, और अफजल को पैदा करने वालों को वहां घूस कर मोदी जी ने जो बच्चे कुछ थे उनको भी खत्म हमारी सेना ने किया,